सत्संग में सुना है कि शुद्ध व निष्काम प्रेम करना चाहिए। पूर्णतया शुद्ध एवं निष्काम प्रेम कैसे हो, मार्गदर्शन करें। देखिए, प्रेम हमेशा शुद्ध ही होता है, प्रेम कभी अशुद्ध होता नहीं। यदि अशुद्ध है फिर वो प्रेम रहा कहाँ। प्रेम हमेशा शुद्ध होता है और प्रेम का अर्थ होता है भगवत प्रेम। प्रेम का अर्थ है भगवत प्रेम। प्रेम शुद्ध ही होता है, निष्काम ही होता है और प्रतिक्षण वर्धमान होता है। और प्रेम हमेशा चैतन्य तत्व से किया जाता है। प्रेम करने वाला भी चैतन्य होता है और जिससे किया जाए वो भी चैतन्य है। दुनिया में हम जिसको प्रेम कहते हैं वो देह को लेकर के होता है और देह से ही होता है। और इस प्रेम में वासना है, स्वार्थ है या अहम है, तीनों में से तीन, दो या एक तो काम कर रहा होता है। और प्रेम किसी बात को लेकर के है, सहज नहीं है किसी बात को लेकर। लेकिन प्रेम गुण रहितम होता है, कामना रहित होता है। देवऋषि नारद जी भक्ति दर्शन में कहते हैं, तो प्रेम कर्त भगवत प्रेम और प्रेम हमेशा निष्काम होता है, गुण रहितम, कामना रहितम। अब प्रश्न है कि ये प्रेम शुद्ध कैसे हो। तो मन की शुद्धि के बिना प्रेम शुद्ध हो ही नहीं सकता। पहले तो आप अपने मन को शुद्ध कीजिए। जैसे शुद्ध दूध शुद्ध बर्तन में ही शुद्ध दूध रहेगा, यदि बर्तन हमारा शुद्ध नहीं है और उसमें शुद्ध दूध डाल भी देंगे तब भी वो शुद्ध नहीं रहेगा। तो मन को भी पहले पवित्र कीजिए। तो राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। तो नाम जप करते करते चित्त परिमार्जित होगा और चित्त के परिमार्जन होने के बाद भगवत कृपा से, महद कृपा से, संत कृपा से अपने आप ही हृदय में प्रेम आएगा। और अधिकतर आता है कथा के द्वारा, संतों के मुख से, प्रेमियों के, रसिकों के मुख से जो कथा का निस्तरण होता है तो उससे प्रेम प्रकट होता है। कहा ना कि बिन सत्संग ना हरि कथा, तिहि बिन मोह नहीं भाग, मोह हो गए बिन राम पद, हो हे न दृढ़ अनुराग। अनुराग कर्त प्रेम। ये कैसे होगा? सत्संग से, कथा से, मोह के निवारण से, अर्थात मन की मैल मिटने से अपने आप ही प्रभु से प्रेम